दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी कोर्स कैसे करें। दोस्तों अगर आप बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बीएससी कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कितनी होती है कॉलेज की, कॉलेजेस कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन से कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, बीएससी कोर्स कितने ईयर का होता है और बीएससी कोर्स करने के बाद इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आपको सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से बताने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बीएससी कोर्स क्या है। दोस्तों बीएससी का पूरा नाम विज्ञान स्नातक यानी बैचलर ऑफ साइंस होता है। इस कोर्स को करने के लिए विद्यार्थी को 12th की कक्षा में साइंस सब्जेक्ट लेना होता है ताकि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। दोस्तों बीएससी कोर्स ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसे कंप्लीट करने के लिए करने के बाद विद्यार्थी को आसानी से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में करियर बनाना जा सकते हैं। इसकी वजह से बीएससी को पॉपुलर एकेडमिक डिग्री कोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों जो भी बंदा साइंस स्ट्रीम चूज करता है वो सिर्फ बीएससी कर सकता है, यानी कि बीएससी कोर्स कर सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीएससी कोर्स करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बीएससी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 11th और 12th आपका साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए और उसमें भी आपके 50% तो आने ही चाहिए, उसके बाद ही आप बीएससी कर पाएंगे क्योंकि 12th में ज्यादा अंक होने से अच्छे यूनिवर्सिटी में बीएससी का दाखिला मिल जाता है। दोस्तों अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए और 50 से भी कम है तो आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, बट अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जो आपको अच्छी लगती हो कॉलेज। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीएससी कोर्स के लिए कौन से कोर्स होते हैं। दोस्तों बीएससी कोर्स में आपको कई सारे कोर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई भी कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बीएससी मैथ्स। दोस्तों जो विद्यार्थी मैथ्स के क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखते हैं और मैथमेटिक्स के रूप में मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस कोर्स में मैथ्स के अलावा कंप्यूटर ज्ञान भी दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में जो है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इस कोर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। दोस्तों यह कोर्स बीएससी के आधार पर 3 साल का होता है। दोस्तों अभ्यर्थी अच्छा अनुसार कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जो थर्ड कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग। दोस्तों जो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में दिलचस्प रखते हैं वो बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में उम्मीदवार के पास जॉब पाने के लिए एक से ज्यादा अवसर होते हैं। आज नर्सिंग की बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई है मार्केट में, तो आप अगर ये कोर्स करो तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों जो फोर्थ कोर्स है वो है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों यदि आपका टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि है और टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उत्सुक रखते हैं तो आप 12वीं के बाद बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। जो फिफ्थ है वो है बीएससी केमिस्ट्री। दोस्तों बीएससी केमिस्ट्री में अभ्यर्थी को रसायन विज्ञान से संबंधित नॉलेज प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह कोर्स करने के बाद छात्र के पास रोजगार के अनेक अवसर होते हैं और 12वीं के बाद छात्र के लिए बीएससी केमिस्ट्री का चुनाव सही साबित होता है। दोस्तों और जो लास्ट है कोर्स है वो है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें आप एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी होता है वो सारी की सारी पढ़ाई आपको करनी होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीएससी कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों जो पहला सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, सेकेंड सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री, थर्ड सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, फोर्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, फिफ्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्स सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सेवन सब्जेक्ट है फिजिक्स, एट सब्जेक्ट है जूलॉजी, 9 है एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों तो दोस्तों इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने में कंपलसरी आएंगे ही आएंगे।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं कोई भी कॉलेज में तो आपको कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। दोस्तों तो यहाँ मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि जो फर्स्ट एग्जाम है वो है जीईटी, फिर सेकेंड एग्जाम है वो है एनपीएटी, जो थर्ड एग्जाम है वो है बीएचयू यूईटी, जो फोर्थ एग्जाम है वो है एसयूएटी, जो फिफ्थ एग्जाम है वो है सीयूसीईटी। दोस्तों ये नाम तो आपने पहली बार ही सुने होंगे, तो अगर आपको इस एग्जाम के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च करके ज्यादा नॉलेज ले सकते हो। और अगर आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है भविष्य में तो वो कॉलेज के जो एक्सपर्ट सर है या मैडम है उसको भी आप जाके प्रोफेसर को पूछ सकते हैं कि आपकी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, तो वो आपको गाइड भी करेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे टॉप बीएससी कॉलेज के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट कॉलेज है वो है जैन यूनिवर्सिटी, जो बैंगलोर से बिलोंग करती है, और जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो है माउंट कार्मेल कॉलेज, जो बैंगलोर से ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों टॉप कॉलेजेस बैंगलोर में है, तो मेरा तो सुझाव यही है कि आप बीएससी करने के लिए बैंगलोर ही जाए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीएससी कोर्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट है वो है बीएससी कोर्स में सबसे पहले सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत ही फायदेकारक रहेगा। दोस्तों आप कोई भी विषय को पूरा करने के लिए समय सारणी बनाएं, मतलब कि टाइम टेबल बनाएं कि ये सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा या ये सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगी, उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों जिस टॉपिक्स में आप समझ नहीं पा रहे हैं उस टॉपिक को कॉपी में लिख के बार बार पढ़े तो आपको वो याद हो जाएगा। दोस्तों पढ़ाई करते समय 30 मिनट या एक घंटे पर पढ़ाई पे आप ब्रेक लें, उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ भरपूर नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी नींद भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और आपका माइंड फ्रेश रहना चाहिए। दोस्तों टॉपिक्स को समझने के लिए कोचिंग या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस होते हैं जो आपको सॉल्यूशन तुरंत ही दे देते हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीएससी डिग्री लेने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों बीएससी के बाद सैलरी की बात करें तो इसके लिए आपको प्राइवेट या सरकारी संस्था कंपनी में जॉब करना होगा। दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि बीएससी करने के बाद अभ्यर्थी को 15,000 से लेके 35,000 तक की सैलरी मिल जाती है। दोस्तों वहीं आपके काबिलियत के अनुसार सरकारी और प्राइवेट में यह सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों वो आपके काबिलियत पे, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी पा सकते हो, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीएससी के बाद आप क्या करें। देखो अगर आप बीएससी के बाद जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप बीएससी के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, वो आप ध्यान से देखें कि आप बीएससी के बाद एमएससी भी एमसीए कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं और बीटीसी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके करियर ऑप्शन सारे बता दिए हैं कि आप मास्टर डिग्री ये चीज में कर सकते हैं, आप इवन एमएससी भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।